ठगों ने अब पेटीएम को ठगी का नया हथियार बनाकर लोगों को चूना लगाना शुरू कर दिया है। ऐसे ही एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश देहरादून पुलिस ने किया। देहरादून के रायपुर पुलिस ने पेटीएम के माध्यम से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। देहरादून में पेटीएम के माध्यम से ठगी करने वाले गिरोह के सदस्यों ने विगत एक माह में विभिन्न राज्यों में 8 घटनाओं को अंजाम देकर 6,50,000 रुपए की ठगी लोगों के साथ की है। इस ग्रोह के लोग फिर एक घटना को अंजाम देने देहरादून पहुंचे थे, तभी इन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और इस मामले का खुलासा हो पाया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 9 मोबाइल फोन, 3 सिम कार्ड, 27 पेटीएम कार्ड, 60 पेटीएम स्कैनर पेज और 81 नेशन एक्सप्रेस कंपनी के कार्ड और घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद कर ली है। इनके 3 बैंक खाते भी सीज किए गए हैं। 12 तारीख को उन्होंने रायपुर क्षेत्र में है देवपाल उनसे 1,40,000 का ठगी किया था। उस पर जब मुकदमा पंजीकृत किया गया, इसमें टिकेदार की गई, इसमें हमारे 3 टीमें गठित की गई और हमने 195 सीसीटीवी का के माध्यम से अंतर्राज्यीय गैंग को हमने इंटरसेप्ट किया और ये तीनों जो हैं दिल्ली के रहने वाले हैं। उन्होंने जो 1,40,000 का जो ठगी किया था मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुँचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।